नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिसी बाजार के पीबी पार्टनर पोर्टल से कमर्शियल व्हीकल का कोटेशन कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कमर्शियल व्हीकल का कोटेशन निकालने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कस्टमर से उसकी आरसी की कॉपी लेनी है। उसके अलावा हमें उसकी प्रीवियस ईयर की पॉलिसी के पेपर भी लेने हैं, और कस्टमर से ये भी जानना है कि उसने प्रीवियस पॉलिसी के अंदर कोई क्लेम लिया है अपनी पॉलिसी में या नहीं लिया है। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें कस्टमर से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब हम यहाँ से कमर्शियल व्हीकल का कोटेशन निकालने के लिए कमर्शियल व्हीकल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एज पर आरसी हमें कस्टमर का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। कस्टमर का नाम हमने मान के चलिए आरसी पे लिखा है राजेश, तो हमने यहाँ पर राजेश डाला। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर डालना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमें आरसी पे देखना है कि जो कमर्शियल व्हीकल का हम कोटेशन निकालने जा रहे हैं, इनमें से वो कौन सा कमर्शियल व्हीकल है। ऑटो रिक्शा है, पिकअप है, डिलीवरी वैन है, ट्रक है, टैक्सी कैब है या कोई अदर व्हीकल्स है। तो अभी जो हम कोटेशन निकालेंगे वो ऑटो रिक्शा का कोटेशन निकालेंगे, तो ऑटो रिक्शे पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो ऑटो रिक्शा है वो कौन से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू बनाया हुआ है। जो भी आरसी पे उसका नाम या वो महिंद्रा लिखा हो या आपका टीवीएस है या अतुल है, जो भी उसमें लिखा होगा वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अभी जो हम निकाल रहे हैं वो बजाज से मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, तो हमने बजाज सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें एज पर आरसी उसका मॉडल देखना है, व्हीकल का मॉडल कौन सा है। तो व्हीकल का मॉडल अभी जो हम आरसी देख रहे हैं उसके हिसाब से उसका मॉडल है मैक्सिमा। आपको देखना है जब आप कोटेशन निकालेंगे उस टाइम पे कौन सा मॉडल है वो आपको इसमें मेंशन करना है। इसी तरीके से अभी हम देखते हैं यहाँ पर चूज व्हीकल वेरियंट, वेरियंट कौन सा है गाड़ी का वो हमें यहाँ से देखना है। आपकी आरसी में आपके पास जो मेंशन होगा आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। तो अभी हमारे पास जो मेंशन है वो मैक्सिमा है और वो डीजल है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमा की डीजल को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें व्यू फ्री कोड्स पे जाना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ईयर है वो कौन सा है। तो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो आरसी पे मेंशन होता है, कौन सी डेट को कौन से ईयर में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमारी आरसी पे जो मेंशन है वो 2018 मेंशन है, तो हम यहाँ पर 2018 सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें कस्टमर का आरटीओ नंबर डालना है। ठीक है, तो आरटीओ नंबर जो हमारे पास आ रहा है हमारी व्हीकल का, हमारी आरसी के अकॉर्डिंगली वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। वो मैं आपका यहाँ पर लिख रही हूँ, KA63 यहाँ पर आरटीओ है, जो हुबली कर्नाटका की गाड़ी है। उसके बाद हमें जाना है व्यू फ्री कोड्स पे अगेन। अभी हमारे पास यहाँ पे फिर वापस से एक और क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आपकी पॉलिसी जो है वो कब एक्सपायर हो रही है। तो आपको देखना है जो आपको कस्टमर ने पॉलिसी की कॉपी शेयर करी थी उसमें उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, वहाँ से देख के आपको लिखना है। हमारी पॉलिसी की एक्सपायरी डेट जो है वो 11 जुलाई को एक्सपायर हो रही है, तो हमने यहाँ पर 11 जुलाई सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कोई क्लेम है या नहीं है, तो कस्टमर ने बताया कि कोई भी क्लेम नहीं है, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नो सेलेक्ट करने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे कोटेशन निकल के आएगी गाड़ियों की। जो गाड़ी है उसके हिसाब से कौन कौन सी गाड़ी की कोटेशन निकल के आ रही है, कौन कौन सी कंपनीज की निकल के आ रही है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सिंपल सा, अगर कस्टमर को ये आपको लिंक या कोटेशन शेयर करनी है, तो आपने क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है और कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है इस लिंक को। वहाँ से कस्टमर डायरेक्टली अपनी कोटेशन चेक कर सकता है जो भी हमने निकाली है। कस्टमर इस लिंक पे क्लिक करेगा और अपनी कोटेशन देख पाएगा इजीली। आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि पॉलिसी का प्रपोजल कैसे बनाना है और कस्टमर को लिंक कैसे शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और कोटेशंस निकालिए। थैंक यू।